फ्रेंड्स, ओशो तंत्रा क्या है, आज हम इसके बारे में खुलकर बात करेंगे। आपने देखा होगा कि ओशो ने जितने भी प्रवचन दिए हैं, जितने भी डिस्कोर्सेस दिए हैं, वो बहुत खुले मैदानों में, बहुत सारे लोगों के बीच में, बहुत सारे लोगों के साथ में उन्होंने मेडिटेशन के एक्सपेरिमेंट्स किए। जो भी प्रवचन दिए ओपनली बड़े सारे क्राउड के आगे दिए हैं, और जो भी एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने करवाए वो भी सबको करवाए हैं। बहुत बहुत सारे लोगों को एक्सपेरिमेंट उन्होंने करवाए हैं। ओशो ने दमन पे, सुप्रेशन पे बहुत ही ज़्यादा काम किया है, क्योंकि हमारे जैसे भारतीय समाज में बहुत सारे सुप्रेस्ड इमोशंस हैं हमारे। जैसे सदियों से, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो सदियों से मर्द रो नहीं पाया, क्योंकि कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, उसको रोना अलाउड नहीं होता। ज़्यादा करके घरों में यही बात होती है कि मर्द ने रोना नहीं है। उसी तरह से जो औरत है वो खुलकर कभी भी, वो खुल नहीं पाई, उसने कभी भी खुलकर संभोग नहीं किया, क्योंकि औरत को सिखाया गया कि लाज ही उसका गहना है। तो अगर वो ये शर्म त्याग देती है तो वो अच्छी औरत नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे संस्कार, रीति रिवाज, हमारी परंपराएं हैं, जिनकी वजह से अलग अलग, ये तो मैंने दो एग्जांपल्स दिए हैं कि मर्द रो नहीं सकता या औरत खुल नहीं सकती। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे रीति रिवाज या परंपराएं ऐसी रही हैं कि जिनकी वजह से हम लोग बहुत खुलकर ना तो हंसे, ना तो बहुत खुलकर रोए। ऐसा बहुत कुछ है, ज़िंदगी के बहुत सारे आयाम हैं जो हम लोगों ने खुलकर नहीं जिए, ज़्यादातर लोगों ने। तो वो सुप्रेशन जो है, वो जो दमन है, वो ही बहुत सारी शारीरिक और मानसिक बीमारियों का कारण बनता है। तो इसके ऊपर ओशो ने बहुत ज़्यादा काम किया है। सुप्रेशन को ख़त्म करने के लिए ओशो ने बहुत ही प्यारी मेडिटेशन दी है, डायनामिक मेडिटेशन। जिब्रिश दी है, ओशो नो माइंड है, ओशो बॉर्न अगेन है, इतनी 2,500 से ज़्यादा ओशो ने मेडिटेशंस दी हैं। और उसके बाद ओशो ने एक छोटे से फ्लैट में गिने चुने चंद लोगों के आगे ओशो तंत्रा के बारे में बात की। सिर्फ 2-3-4 ही इंडियन उनमें लोग थे, बाकी सब फॉरेनर्स थे। उनके आगे ये बात की गई और सिर्फ उन्हीं लोगों को ये एक्सपेरिमेंट करवाया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ओशो को मालूम है, उनको तब भी मालूम था कि कौन सा मेडिटेशन मेथड किस इंसान, किस साधक के लिए सही है। इसी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी भीड़ के आगे इसके बारे में बात नहीं की। लेकिन भारतीय को रुचि तंत्रा में है, और मैं देख रही हूँ कि दिन पर दिन, डे बाय डे ये रुचि बढ़ती जा रही है, जब से ये सारे कैंप्स वगैरह होने लगे हैं। ओके, तो विज्ञान भैरव तंत्रा, ओशो विज्ञान भैरव तंत्रा एक्चुअली एक बुक पे बेस्ड है। ये एक किताब है जिसमें 112 विधियाँ दी गई हैं, और वो विधियाँ शिव पार्वती के संवाद के रूप में हैं। उन 112 विधियों में से 109 विधियाँ जो हैं वो हमारी सेंसेस, जो हमारी 5 सेंसेस है ना, कि हमारा नाक है वो स्मेल करता है, सूंघता है, आंखें हमारी देखने का काम करती हैं, इसी तरह स्किन हमारी जो है वो फील करती है, वो फील करती है, इसी तरह जो हमारी 5 सेंसेस हैं उन पे, या हमारे ब्रीदिंग पे काम करती हैं। जो 109 विधियां हैं 112 में से, वो सेंसेस पे या ब्रीदिंग पे, हमारी सांस पे काम करती हैं। वो सारे मेथड, सांस कैसे लेना, कैसे छोड़ना, जैसे ओशो ने बताया है कि जब हम सांस लेते हैं, सांस अंदर जाती है, अंदर जाकर वो थोड़ा सा रुक जाती है, बहुत छोटा टाइम होता है लेकिन वो रुकती है, और फिर जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो बाहर भी वो रुकती है। मेरा एक वीडियो भी है इस पे, 21 दिन के ध्यान प्रयोग में से एक विधि है ये। तो वो जब बाहर होती है तब भी रुकती है, अंदर होती है तब भी रुकती है, और अगर उस रुकने में हम ठहर जाएं तो समाधि घटित हो सकती है। इसी तरह के बहुत सारे मेथड सांस को लेकर, अलग अलग सेंसेस को लेकर जो उसमें दिए गए हैं, वही है विज्ञान भैरव तंत्रा। लेकिन उसमें सिर्फ 3 मेथड ऐसे हैं जिनमें सेक्स के बारे में बात की गई है, सेक्स को यूज किया गया है। तो वो जो 3 मेथड हैं उनमें सिर्फ सेक्स को यूज किया गया, और उसमें ये सिखाया गया कि अगर मेल फीमेल, स्त्री और पुरुष मिलते हैं, पास में आते हैं, तो वो
कैसे सेक्स एनर्जी को बाहर ना फेंकें, मतलब पास में आकर मिलकर सेक्स ना करें। तो सेक्स ना करना तंत्रा है असल में, क्योंकि जब सेक्स करते हैं तो क्या होता है, जो जब भी आप संभोग में होते हो तो एक शिखर आप अनुभव करते हैं, और उसके बाद स्त्री पुरुष दोनों की जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है, वो निकल जाती है बॉडी में से, वो सेक्स है। लेकिन अगर आप तंत्रा करते हैं तो वो एनर्जी आप वेस्ट नहीं करते, यही है उसका मेथड, आप उसे वेस्ट नहीं करते, वो एनर्जी आपके अंदर ही रहती है। इसीलिए वो जो शिखर है, वो जो एक अच्छा फील होना है, वो थोड़े देर के लिए नहीं होता, वो बहुत बहुत लंबा टाइम या हमेशा के लिए आप उसको फील कर सकते हैं, हमेशा के लिए आप उसमें रह सकते हैं, क्योंकि आपने वो एनर्जी वेस्ट नहीं की, वो आपके अंदर ही है, क्योंकि आपने संभोग नहीं किया, आपने संभोग नहीं किया, आप तंत्रा में हैं, आप तंत्रा कर रहे हैं। ओशो कहते हैं कि जो संभोग या सेक्स करना है वो क्या है, एक शिखर का अनुभव है, एक चोटी का अनुभव है आप, और जो तंत्रा करना है वो एक घाटी का अनुभव है। जैसे हम किसी भी शिखर पे जाते हैं, अगर हम किसी भी पहाड़ पे भी जाते हैं, टॉप पर जाते हैं, तो अल्टीमेटली तो नीचे वापस आते हैं, उसी तरह से संभोग के बाद भी अगर आप चरम उस पे जाते हो, शिखर पर जाते हो, तो आपको वापस आना ही है। लेकिन अगर आप तंत्रा में उतरते हो तो वो एक, जैसे मैदान में हम चलते जाते हैं, घाटी में हम चलते जाते हैं, तो वो बहुत लंबा उसका टाइम होता है। और सिंपल सी बात है कि जिसको इंटरेस्ट सेक्स करने में है, तंत्रा उसके लिए नहीं है, जिसको संभोग करना है उसके लिए तंत्रा नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में ये दोनों ऑपोजिट हैं। वरना क्या होता है कि लोग तंत्रा करने जाते हैं, संभोग करके आ जाते हैं, यही हो रहा है अभी। तो जो तंत्रा है वो संभोग नहीं है। हाँ, तंत्रा के नाम पे संभोग हो रहा हो वो तो दैट इज टोटली डिफरेंट, वो ओशो ने नहीं बताया हुआ। ओशो ने जो हमें बताया है, जो विज्ञान भैरव तंत्रा में, वो तंत्रा सेक्स नहीं है। तंत्रा के नाम पे अगर आप संभोग करते हैं तो ये समझ लीजिए, जैसे मैंने पिछली कहानी में कहा था कि वो हथौड़ा हम लोहे पर ना मारकर सिर पर ही मार रहे हैं। लेकिन अभी आजकल एक ट्रेंड बन गया है, हर मतलब ये इस चीज़ की इतनी एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है, चारों तरफ इस तरह के कैंप लग रहे हैं, हर कोई ऑर्गेनाइजर चाहता है कि वो तंत्रा का कैंप लगवाए। मुझे बहुत ऑर्गेनाइजर्स पूछते हैं, पार्टिसिपेंट्स पूछते हैं कि तंत्रा करना है, तंत्रा का कैंप करना है, और मैं उनको पूछती हूँ कि भाई आपको तंत्रा क्यों करना है, तो वो उनको नहीं पता है, क्योंकि जो नए नए लोग हैं वो किसी और वजह से, किसी और इंटरेस्ट से ओशो में आना चाहते हैं, ओशो की मेडिटेशन या टीचिंग के बारे में क्या उन्होंने सिखाया क्या नहीं, उनको कुछ नहीं पता है। जो ओशो ने एक न्यू मैन का जिक्र किया, जोरबा दा बुद्धा, उनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता है, उनको सिर्फ ये ऐसी कुछ कहानियां, कुछ बातें उन्होंने सुन ली हैं। अगर तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी को भी संभोग करना है, सेक्स करना है, इस चीज़ को एक्सप्लोर करना है, कुछ भी बुरा नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन वो मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, उसको तंत्रा के नाम पे करना या करवाना मैं समझती हूँ कि ये गलत बात है। क्योंकि ओशो ने बहुत क्लियरली एक बात कही है कि सबसे ज़्यादा बुरा होता है किसी की आध्यात्मिक यात्रा को खराब करना, किसी की भी स्पिरिचुअल जर्नी को खराब करना सबसे बुरा है, अगर चंद पैसों के लिए। क्योंकि नो डाउट जो लोग सिंपल मेडिटेशंस के लिए थोड़े से पैसे देना नहीं चाहते, वो तंत्रा मेडिटेशन के लिए बहुत सारा मनी देने को रेडी हो जाते हैं। तो अगर मॉनेटरी इंटरेस्ट के लिए, इस मनी के इंटरेस्ट के लिए कोई भी किसी नए साधक को या इवन पुराने साधक को गलत गाइड करता है तंत्रा के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने गुरु और उनकी टीचिंग्स के बारे में अपने आप के साथ और बाकियों के साथ थोड़ी सी ईमानदारी रखनी चाहिए। तो बेसिकली जो तंत्रा है, नो डाउट उसमें ओशो ने बताया, जो बहुत पुराने साधक हैं वो तंत्रा को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे टाइम के बाद। तंत्रा में अचानक से क्या होता है कि वो जो तीन स्पेशल विधियां हैं उसमें कई बार क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी है, क्योंकि उसमें उन्होंने बताया कि एनर्जी आपने नीचे से तो निकलने नहीं देना है, उसका मेथड है एनर्जी को ऊपर उठाना। तो समटाइम्स क्या होता है, नो डाउट इट्स रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, बट कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वह एनर्जी ऊपर जंप कर जाती है, और हो सकता है आप उसी मोमेंट में दोनों एनलाइटन हो जाएं।
ऐसी पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो तभी है अगर आप संभोग नहीं करते हैं, आपने ओशो की विधियों को, उनकी जो प्रॉपर टीचिंग है उसको अच्छे से सीखा है, आप एक ठहरे हुए साधक हैं, फिर आप उस मेथड को भी ट्राई कर सकते हैं, बट दैट्स अ लॉन्ग वे। अगर आप नॉर्मली नया आज ही आपने मेडिटेशन स्टार्ट करना और आज ही आप सीधा तंत्रा, तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप तंत्रा नहीं है कुछ भी करने जा रहे, आप क्या करने जा रहे हो, यू नो इट बेटर, मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका सच में इंटरेस्ट मेडिटेशन का है, ध्यान का है, इस रास्ते में आप चलना चाहते हैं, आप शांति की खोज में, आप अपनी खोज में, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, तो आपको तंत्रा बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं, बहुत लंबे टाइम के बाद। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि लोगों को इतना, ओशो ने तो देखो पुराने जन्मों में हम क्या हैं, कहाँ से आए थे, क्या करके आए, हम कौन थे, उसमें लोगों की जिज्ञासा नहीं है, तंत्रा में क्यों है, और किसी सिंपल मेडिटेशन में नहीं है, ओशो मेडिटेशन में क्यों, मतलब शायद बहुत सारी ऐसी बातें उनके नाम के साथ जुड़ गई हैं, और कुल मिलाकर बात इतनी है जिसमें से ओशो हमें निकालना चाहते थे कि बहुत दमित लोग हैं हम लोग, हमारा समाज, इसमें सेक्स का दमन सबसे ज़्यादा है, अपने शरीर को सबसे ज़्यादा मारा गया है, और लेकिन खुद के बनाए हुए जाल में ही हमारा समाज फंसा हुआ है, क्योंकि खुद ही कायदे कानून बनाए कि एक से ज़्यादा किसी को देखना नहीं है, लेकिन अंदर से दिल कर रहा है, ऊपर से बोल भी रहे हैं, अंदर से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, और ये हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं कहने की। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी है, अगर आपने दो रोटी नहीं खानी, अगर आपने चार खानी है, तो आप किसी से पूछते तो नहीं ना, डरते तो नहीं ना, तो आप ज़िंदगी को खुलकर जिए, जीने का आपको हक है, लेकिन ओशो के नाम के पीछे छुप कर नहीं। अगर आप कुछ भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अगर आप करने की हिम्मत रखते हैं, तो बोलने की हिम्मत क्यों नहीं है आप में? अगर वो छुप छुप के किया हुआ कुछ भी काम आपको कहीं नहीं ले जाएगा, चाहे वो तंत्रा कैंप के नाम के पीछे आप छुप जाएं, चाहे वो किसी भी चीज़ के पीछे आप छुप जाएं, तो ओशो तंत्रा तक जाने के लिए ज़रूरी है कि आप ओशो की दिए हुए मेडिटेशन मेथड्स को अच्छे से करें, समझें, उनकी बहुत सारी अच्छी किताबें हैं, हम क्या हैं, मैं कौन हूँ, बहुत कुछ है ऐसा कि मैं कौन हूँ पहले ये तो पता कर लो, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनको आप पढ़िए, जानिए, न्यू मैन ओशो ने क्या बताया वो देखिए, फिर आप तंत्रा के बारे में पढ़िए या इसको करने की सोचिए। जो लोग नए आपको लोभ लालच दे रहे हैं कि इतने पैसों में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको भी पता है कि वो आपकी कौन सी दुखती या वीक रग को पकड़ कर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा आप यूज़ कीजिए। कोई भी आपको सडनली एनलाइटन नहीं कर सकता, ओशो ने इतना बोला था कि जो लोग मेरे साथ दिन रात रह रहे हैं वो मेरे साथ रहने से एनलाइटन नहीं हो जाएंगे, तो आप दो चार फीमेल्स को या दो चार मेल्स को मिलने के बाद, उनके साथ कुछ करने के बाद ऐसे सडनली आप कोई भी एनलाइटन नहीं हो जाएंगे, आपको भी पता है कि ये क्या है। तो ओशो तंत्रा मुझे लगता है मैं थोड़ा सा बता पाई हूँ, फिर भी आप कुछ और पूछना चाहें तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, हम कोई जूम मीटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल किसी गलत फहमी में, किसी गलत रास्ते पर जाकर ज़िंदगी का कीमती वक्त खराब मत कीजिए, और अपनी आध्यात्मिक जो यात्रा है अगर आप सच में उस पर चलना चाहते हैं तो उसे खराब मत कीजिए। आपकी क्या राय है आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, मैं चाहूँगी इसके बारे में हम अच्छे से खुलकर बात करें, अगर आप करना चाहते हैं तो। थैंक यू।